ज्यादातर की रवानगी आज इस कार्यक्रम के बाद से की जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जन जागरूकता रथ की रवानगी झंडी दिखाकर की जा रही है। साथ ही साथ हमारे सभी माननीय अतिथिगण सभी ने हाथों में झंडी लिया हुआ है। और मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा पूर्वक संकल्प लेता हूँ कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं करूंगा। मैं ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होऊंगा। कम उम्र की शादी और दहेज का लेन देन एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। अतः मैं प्रण करता हूँ इसकी रोकथाम के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपने राज्य को बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा करता हूं। बिहार की खासियत रही है राजनीतिक रूप से बहुत सजग रहा। आप जहां जाइए राजनीति पर चर्चा करते हुए लोग मिल जाएंगे। खेत में काम कर रहे हो या शहर में पान की दुकान हो चाय की दुकान हो कहीं चले जाइए राजनीति की चर्चा लोग करते सुनेंगे। लेकिन हम लोगों को लगा कि राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, लेकिन हमें जागरूक रहना चाहिए अपने इतिहास के प्रति और ये सोचना चाहिए कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए और समाज में बदलाव लाने के लिए भी हमको उसी तरह से कॉन्शस होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने शुरुआत की। हमारे विकास का मतलब सिर्फ कुछ योजनाओं पर अमल नहीं, हमारे विकास का मतलब है समाज का सर्वांगीण विकास, भौतिक विकास और उसके साथ व्यवहार में और आत्मिक विकास, अंदर से भी परिवर्तन हो। सिर्फ भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि अंदर से भी परिवर्तन होगा मनुष्य के जीवन में। इसे मैं बार बार हर किसी से आग्रह करता हूं। यह तो सामाजिक अभियान चलाते ही इसके साथ हम बार बार जोर देते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म मजहब को माने। और अगर धार्मिक है धर्म मजहब में विश्वास रखते हैं तो सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि हर इंसान के अंदर जो आत्मा है वहां परमात्मा का वास है। इसलिए हर की इज्जत करिए और हर व्यक्ति को समझना चाहिए उसके अंदर भी शक्ति है, उसके अंदर भी परमात्मा।